वो अपनी किस्मत को कोस रही है, डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, आपकी वजह से। क्योंकि आप नहीं बता रही कि उसकी मामा कहाँ है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोगों की जिंदगियां खराब हो। लोग झूठ के सारे जिए। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए आप, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। पिछली बार आपने कहा था ना उसकी मामा सुरक्षित है, सेफ है, इसका मतलब आप ही को पता है कि उसकी मामा कहाँ है। इसीलिए हमने मुस्कान के फोन से आपका नंबर निकाला, आपको कॉल किया, आपको यहाँ बुलाया ये पूछने के लिए कि उसकी मम्मा कहाँ है। वो बहुत टेंशन में है, हम रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपसे, बता दीजिए सुजय मासी, बता दीजिए। आपको नहीं पता, अगर उसकी मम्मा नहीं मिली ना तो हमारी मुस्कान के जीवन में बवंडर तूफान आ जाएगा, और उन सभी लोगों की जिंदगी में जो हमारी नकली शादी को असली बनाना चाहते हैं। नकली शादी? हाँ, ये नकली शादी सब ड्रामा, ये डील है कि उसको उसकी मामा मिल जाएगी और हमें हमारी माँ को इंसाफ। लेकिन साहब कुछ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, वो हम फंस गए हैं और हमारा बाप हमें फंसा रहा है। वो चाहता है कि ये नकली शादी असली में हो जाए। सोनक ये क्या कह रहा है, नकली शादी डील? देखिए हमारी ये नकली शादी असली में तब्दील हो जाएगी, तो बता दीजिए उसकी मामा कहाँ है, हम उसकी मामा को ढूंढ निकालेंगे, हम उसका बहुत दूर भेजेंगे सेफ सुरक्षित जगह। देखिए वो फंसी पड़ी है और वो और फंसती जाएगी, हम जानते हैं इस बात को। नहीं, ये क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी मुस्सू को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप मुस्कान की मौसी हो, कैसे छुप रहेंगे, उसकी मदद कौन करेगा हमें बताइए। देखिए वो बहुत बहुत टेंशन में है, बता दीजिए उसकी मम्मा कहाँ है, बहुत तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, बेचारी की हालत देखिए आप, हम रोज देखते हैं। अगर मैंने तुम्हें सब सच बता दिया तो मुस्कान की जिंदगी वैसे भी खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर सरजी ना उसे जीने देंगे ना ही उसकी मम्मा को, इसीलिए बेहतर यही होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं, खास करके इस झूठी शादी का सच जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि अब यह शादी सच में हो जाए। बता दीजिए इसकी मामा कहाँ है, बता दीजिए। देखो रौनक, जब मुस्कान ने पूछा था तब भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और आज भी नहीं है। मुझे आरती दीदी के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि अभी तक सरजी को आरती दीदी के बारे में कुछ नहीं पता चला है। इसका मतलब वो जिसके साथ भी है, जहाँ भी है, सेफ है और सुरक्षित है। देखो मुझे जाना होगा, अगर देर हो गई तो अम्मा कोठे पर भूखा मचा देगी। एक मिनट, हमें पता है आपको कुछ तो पता है कि उसकी मम्मा कहाँ है, वरना इतने कॉन्फिडेंस से कौन कैसे बोल सकता है कि वो सुरक्षित है। आपने कहा वो सुरक्षित है, इसका मतलब कि आप जानती हैं वो कहाँ है। मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन क्या कहा था, मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और मेरे होश ठिकाने नहीं थे। लेकिन आज होश में कह रही हूँ कि मुझे आरती दीदी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है और किसके साथ है, समझे तुम? Hey! तुम लोगों को सलाउंगी टेढ़ी करने मजा आता है, प्यार से पूछे नहीं बताया। अब घुमाओ बात, अब देखते हैं, फिर कह रहे हैं बता दो, वरना मजबूरन उगलवाना आता है रौनक को अच्छी तरह। ये आपका बेटा रौनक नहीं दिख रहा है, वो बाहर गया हुआ। अरे इतना बिजनेस फैला हुआ घोष बाबू, आता ही होगा रास्ते में है वो। यस यस, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का, बोला था संगीत से पहले आ जाए, बोला था मैंने। गायत्री खुशी का माहौल है, आपको खुश होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसते हुए हमारे सरकार कितनी सुंदर लगती है, हंसी। हाय 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 हाय, यार रौनक भैया कहाँ है, बहुत टाइम हो गया दिखाई नहीं दे रहे। हाँ यार, कुछ पता नहीं। अंकल
रौनक भैया कहाँ हैं? आ जाएगा मेरे रौनक के दोस्तों, रास्ते में है। बिना भाई के कुछ नहीं होगा, आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मेरा जो भाई है ना वो हमेशा की तरह ग्रैंड एंट्री मारेगा। मेरे अजीज दोस्तों, इस खास संगीत के कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने एक डांस का प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया है। मेरा तो आशीर्वाद है ही इन लोगों के साथ, आप सब भी आशीर्वाद दीजिए और इस कार्यक्रम को ग्रैंड कार्यक्रम बनाइए। तालियां। आज की शाम आप सभी लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस शाम की शुरुआत हो रही है द डायनामिक डॉली और द बिंदास बंटी के डांस से। मुस्कान की मामा अक्सर यहाँ आया करते हैं, ठीक है? हम एक काम करते हैं, कुछ लोगों से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? तुम वहाँ जाओ, हम यहाँ जाते हैं, हम देखते हैं। हाँ। ये इन्हें जानते हैं हम? कहाँ गए, कहाँ खोजे इसको यार? सारा कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन हो? Who are you? और यहाँ पे अकेले? नहीं, मम्मा है ना। अच्छा, तो जाओ जाओ, जाओ मम्मा के, जाओ। बच्चे आजकल, जाओ जाओ चलो। अरे, आप कहाँ थे? तो अंकल के साथ थी। अंकल? चले, आपको टेडी बियर चाहिए? आपने इनको देखा है क्या? नहीं। अरे यार, अब आपने इनको कभी देखा क्या भैया? पक्का नहीं देखा? पक्का नहीं देखा? अबे ये तो दूर वाली मैडम की मम्मा है, तुम्हारी की आंटी है। अबे पहले तो भैया जी को बताना पड़ेगा, इससे पहले दूर वाली मैडम की मम्मा और दूर निकल जाए। भैया जी, ये आपने देखा है? ये कहीं पर भी देखा था वो यही पे थी, यहाँ से उन्होंने टेडी बेयर खरीदा, फिर वो यहाँ से बाहर निकल गई, मतलब बाहर चली गई थी। साला पहले क्यों नहीं बताया? वो हमें लगा था कि वो यही होंगे, वो चली गई तो हमें क्या पता। चुप, चल चलो साइड देखते। अरे यार, किसका फोन आ गया? हाँ, हम करते हैं माँ, हम बिजी हैं, फोन करते हैं। अच्छा, हम करेंगे। कहाँ है? साला तुमको उसके पीछे जाते, हमारे पीछे आ गए। उनकी मामा के मिलना बहुत जरूरी है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साला फोन करते हैं हमें। हाँ सर, जब रेस का टाइम आता तो तुम्हारे दिमाग की घोड़े के घास चढ़ने जाते हैं। भैया जी, एक्साइटेड हो गए थे, हमें लगा हम आपको बताना चाहिए सबसे पहले। तुम्हें दिखे हो तुम रुके नहीं, हमारे पास आ गए। हम पता नहीं हमारी गोद में बैठ के क्या करोगे तुम। सॉरी ना। चलो पूछते। सॉरी ना। आपने देखा इनको? ये इसने कहा ये यहीं पे आसपास ही कहीं। नहीं, नहीं देखा। आप लोगों ने हमारा
कमाल तो देख लिया, लेकिन अब असली धमाल की बारी है। तो स्टेज पर शोले बरसाने के लिए आ रही है हमारी प्यारी माँ और आग लगाने के लिए आ रहे हैं पापा। चलिए आप भी डांस कीजिए। नहीं नहीं डॉली, मुझसे नहीं होगा। यहाँ तो लोग अपनी खुशी के लिए नाच रहे हैं, पर तुम कैसे नाचोगी? तुम तो लोगों को खुश करने के लिए नाचती हो। जी डॉली प्लीज। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि हीरो के बिना हीरोइन डांस फ्लोर पे डांस कैसे कर सकती है। चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर से मनाती हूँ। मुस्कान, रौनक के बिना डांस नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, कपल डांस ना सही, फैमिली डांस तो कर ही सकती हो ना? हाँ। अच्छा, अगर उसी के साथ डांस करना है तो मैं अभी फोन लगाती हूँ उसे, दोनों मिलके डांटेंगे। पता नहीं कहाँ चला गया। पक्का यकीन है तुमने मुस्कान की मम्मा को देखा था? हाँ भैया जी, हमारे हिसाब से तो वही थी। जी माँ, हम फोन करते। अगर अब की बार फोन काटा ना, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे आके सीधे चांटा मारूंगी। तेरे बिना यहाँ मुस्कान का चेहरा ऐसे लटका हुआ है, कहाँ है तू? जल्दी आ जा बेटा। ठीक है। और सुन, सारे ना मेहमान आ चुके हैं, तू सीधे अपने कमरे से तैयार होके हॉल में आ जाना। ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके। चल रखती हूँ। खुश आ रहा है तुम्हारा दूल्हा, अब मुंह मत लटकाना। मैंने तो आधी डांट लगा दी, बाकी का तुम संभाल लेना। भाभी अब तो आप चल ही सकते हो ना? मैं हूँ ना आपको कंपनी देने के लिए। आई, अरे जाओ ना, आइए जाओ जाओ जाओ, आइए 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 आइए। बंटी जी, यहाँ पर क्या खड़े हो? देवर हो, भाभी को जाके कंपनी दो। अकेले खड़े खड़े बोरियत महसूस कर रही होगी। जाओ जाओ, सबको लेके जाओ, सबको लेके जाओ। हिम्मत कैसे हुई मुस्कान पर हाथ उठाने की? ऐसा क्या किया इसने जो तूने इस पर हाथ उठाया? बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? खड़े हो तुम मुस्कान? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने थप्पड़ क्यों मारा? पूछा कुछ आपकी मां ने? जब आपने सबके सामने ये कारनामा कर ही दिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। इसे बड़ी जमावे क्योंकि ये एक क्या बोलना चाहते हो तुम? क्या है ये? बोलना क्यों किया ऐसा? बस बहुत हुए सवाल जवाब, तुम चुप। नफरत हराम थी तो ये नाच गाने से शादी नहीं करनी। तुम्हें काम
तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था उस थप्पड़ का, लेकिन यहाँ तुम्हें अपनी माँ को जवाब देना होगा। ऐसा क्या कर दिया था उस मासूम ने जो तुम्हें अपना हाथ उठाना पड़ा उस पर, वो भी सबके सामने? शादी करके भगाकर तू लेकर आया था ना उसे, फिर अचानक क्या हो गया? मैंने तो तेरी खुशी के लिए उस शर्मा परिवार को अपने घर से लौटा दिया, अपना वचन तोड़ दिया, तू मेरा ऐसे दिल तोड़ेगा? मुझे उम्मीद नहीं थी। पूरे समाज, पूरे मेहमान, सब बिरादरी वालों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करेगा, उस पर हाथ उठाएगा, जब मन किया बोल दिया शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शादी नहीं करने वाली बात आती कहां से, जबकि तुम पहले से ही उससे शादी कर चुके हो।